अरे डॉक्टर साहब, एकदम बढ़िया, तबीयत एकदम ठीक। उम्मीद करता हूँ शराब तो आपने छोड़ ही दी होगी। अरे कमाल कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, आपने कहा शराब छोड़ दो, छोड़ दी, पूरी तरह छोड़ दी। हाँ, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो थोड़ी सी ले लेता हूँ। वेरी नाइस। और ये कौन है आपके साथ? इनको मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए रखा है। मोटो रीलां जिन्या मर्जी पा लिया कर, पर रब दा वास्ता उस तो पहले रोटी बना लिया कर, बंदे नु भूख भी लगती है। कंजूस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हस्बैंड। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि तुम्हें नौकरी क्यों करना। मैंने कहा कि मुझे अपना घर बनाना है। फिर ऑफिसर ने कहा, क्यों किराए के घर में रहती हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अपने पति के घर में रहती हूँ। तो ऑफिसर ने कहा, तो फिर क्यों घर बनाना? तो मैंने कहा कि मैं जब भी कोई गलती के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मुझे बार बार ये धमकी मिलता है कि मेरे घर से निकल जाओ, जाओ अपने माँ बाप के पास रहना। और माँ बाप से यही जवाब मिलता है कि बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर ससुराल है, तुम्हें जैसे भी रहना है वही रहना है। मैं आज तक समझ नहीं पाई साहब कि मेरा घर कौन सा है, मेरा ठिकाना कहाँ है। टिंगो खुश रखने के तीन तरीके देख, कितनी गौर से सुनना हुआ। अब पहले बना तो ले। कभी तुम्हारी और मेरी बात ना भी हो ना, तो समझ जाना कि मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं औरों से नहीं हूँ, मैं अकेले रहूंगी, इंतजार करूंगी, पर फिर भी तुम्हें से प्यार करूंगी। सुनो। हाँ बोलो। घर का सामान खत्म हो गया है, मैं घर का सामान लेने जा रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ, मैं अपना सामान लिख रही हूँ, आप अपना सामान बता देना। हाँ लिखो, तुम लिखो यार। मेरा है लैक्मे के लिपस्टिक, फाउंडेशन, बॉडी लोशन, परफ्यूम्स और बस बहुत है मेरा, बस ठीक है, आप अपना बता दो। मेरा लिखो एक बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, और झाड़ू छोटा हो गया, एक झाड़ू लिख लो, फूल झाड़ू। झाड़ू थोड़ा ना हल्के हाथों से मारो, बहुत जल्दी झाड़ू घिस रहे हो आजकल। और एक हाँ, एक हाँ, एक पोचा लिख लो, पोचा फट गया बेबी। सुनो जी, चलो तो सहारा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लीजिए, क्या दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हल होता है। ओ बाबू सोना, पढ़ लो, निकाय होटल में दोगे कढ़ाई भगोना। सूरज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या चांद? मुझे लगता है कि चांद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चांद रात को रोशनी देती है। सूरज क्या करता है फिर? सूरज भी रोशनी देता है दिन में, पर दिन में रोशनी की क्या जरूरत है।